सब्जियों के बढ़ते हुए दामों का असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। कुछ दिनों तक टमाटर के अच्छे दामों के मिलने पर खुशी मनाने वाले सोलन में किसानों की प्याज अब आंसू रुला रहा है। वहीं टमाटर की कीमतों में भी भारी उछाल आया है। आलम यह है कि शहर में प्याज 50 से 70 रुपए किलो तक बिक रहा है। प्याज की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए गृहिणियों की रसोई से प्याज गायब होना शुरू हो गया है। यही नहीं, बारिश न होने के कारण बाकी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे गृहिणियों को दो वक्त के लिए सब्जी जुटाना भारी पड़ रहा है। सोलन में लगने वाली किसान मंडी में भी सब्जियों के दामों में ग्राहकों को कोई राहत नहीं मिल रही है। गृहिणियों की माने तो प्याज के बिना रसोई में कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल है। हर सब्जी और दाल व सलाद में प्याज डालना जरूरी होता है, लेकिन प्याज के बढ़े हुए रेट ने सारी रसोई का वजन हिला कर रख दिया है। महिलाओं का कहना है कि सब्जी विक्रेता अपनी मनमानी के रेट लगा रहे हैं, जिसको प्रशासन को समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। प्याज के बड़े रेटों से फर्क तो है ये बहुत ज्यादा, बिल्कुल टोटली यूजेज मेरे हिसाब से बंद होनी चाहिए इसकी, ताकि इसके रेट्स डाउन आए। 60 से 65 रुपए किलो के हिसाब से, जो छोटे साइज में वो 60 है, जो थोड़ा सा ठीक है नॉर्मल है वो 65 के करीब मिल रहा है। यही यूजेज कम हो रही है उसकी, जहां हम 3 से 4 प्याज यूज कर रहे थे वो वहां पे अभी 1 से 2 यूज हो रहे हैं। जहां किलो यूज कर रहे थे वहां पे अभी आधा किलो के करीब इसकी है क्वांटिटी जो है परचेज कर रहे हैं। सब्जियां खरीदने तो आए हैं, लेकिन सोच रहे हैं कौन सी सब्जी खरीदे क्या नहीं खरीदे हैं। और सब्जियां साग सब्जी इतनी महंगी हो चुकी है, सबसे ज्यादा तो प्याज आज की डेट में देखो प्याज कितना महंगा हो चुका है। जो हम लोग सोचते हैं कि प्याज के रेट थोड़े कम हुए, सरकार आएगी प्याज की सब्जियों के रेट कम होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है आज दिन तक, और ना पता नहीं अब होएगा कि नहीं। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको थोड़ा लिमिट में लाया जाए, बजट में लाया जाए, ताकि हम लोगों के लिए प्याज टमाटर वगैरह खरीदना थोड़ा कम रेट में हो जाए।